मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद का हिस्सा है। सभी उपनिषदों में यह सबसे छोटा और सबसे कठिन है। केवल 12 श्लोकों में यह सारी मानव चेतना के बारे में बताता है, मनुष्य की जागृत अवस्था से लेकर उसकी समाधि की अवस्था तक, उसकी अंतर ध्यान की अवस्था तक, जहाँ सभी वस्तु संबंधी अनुभव, सभी धारणाएं, सभी संबंध तथा सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। आदिशंकर का मानना था कि यदि हमें एक ही उपनिषद पढ़ना हो तो वह मांडुक्य उपनिषद होना चाहिए, क्योंकि यह छोटा भी है और ठोस भी है, और यह अध्यात्म ज्ञान के गहरे रहस्य को अच्छी तरह समझाता है। उपनिषद में ओम के सिद्धांत का विवरण है। ओम के 3 तत्व हैं, अ, उ तथा म, जो मनुष्य चेतना की 3 अवस्थाएं दर्शाते हैं। पर ब्रह्म संसार में भौतिक, सूक्ष्म तथा करणीय रूपों में प्रकट होते हैं। एक ही सत्य, वह एक ही ब्रह्म संसार में अनंत विविध बदलने वाली और स्थानांतरण होने वाली वस्तुएं बन जाते हैं, जिन्हें हम अपनी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं में देखते हैं, जिनका हम अनुभव करते हैं और जिन्हें हम भोगते हैं। उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है नींद में सपनों की अवस्था, तीसरी है बिना सपनों वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था, और चौथी है समाधि की अवस्था, अति उत्तम चेतना की अवस्था, जहां मनुष्य अपनी बाकी 3 सामान्य चेतनाओं से ऊपर उठकर परम सत्य, परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये सभी अवस्थाएं तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, जिनमें आखिरी अवस्था ही सबको और सब कुछ शामिल करने वाली है, और अंततः है आखिरकार यही सत्य है। रहस्यवाद चेतना का जो परम है, वह एक ही ब्रह्म, वही सभी धर्मों का भगवान है। माना जाता है कि सभी वेदों का ज्ञान और उनकी सारी विद्वत्ता संक्षेप में मांडुक्य उपनिषद के 12 श्लोकों में समेटी हुई है। यह भी माना जाता है कि यह एक ही उपनिषद अकेला ही मनुष्य को मुक्ति और परम गति दिलवा सकता है। उपनिषद अक्षर ओम अनश्वर है, यही सब कुछ है, यही सारा जगत है और यही सारी सृष्टि है। ओम भूत, वर्तमान और भविष्य है, और जो कुछ भी भूत, वर्तमान और भविष्य से भी परे है, वह ओम है। ओम भूत से भी पहले है और ओम भविष्य के भी बाद है। यह सारा जगत, यह सारी सृष्टि सब कालों में रहने वाला अनंत परम ब्रह्म है। सारी सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ब्रह्म न हो। ब्रह्म ही सब कुछ है और सब कुछ ब्रह्म ही है। आत्मा भी ब्रह्म है। इसी आत्मा के 4 भाग हैं, उसकी चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। आत्मा के पहले भाग को वैश्वनर कहते हैं। यह मनुष्य की जागने की सामान्य अवस्था है, जो सब जीवों के लिए एक जैसी और बराबर है, जहां वह वास्तविकता का अनुभव करता है। यहां मनुष्य का ध्यान बाहर की तरफ होता है। उसकी सभी इंद्रियां और उसकी सारी चेतना बाहर की तरफ होती है। यहां उसे केवल बाहरी दुनिया जैसे उसे वह दिखती है, उसे
उसी का एहसास होता है। यहां वह उस बाहरी दुनिया के भौतिक पदार्थों को अनुभव करता है और संसार को उसकी सारी विविधता में भोगता है। यह मनुष्य की भौतिक स्थिति है। मनुष्य के दूसरे भाग को तेजस कहते हैं। यहां मनुष्य अपनी ही रची हुई नींद में अपने सपनों की दुनिया में जीता है। यहां उसकी सभी इंद्रियां, उसकी सारी चेतना और उसकी सारी समझ उसके अपने ही अंदर केंद्रित है और वह अपने ही मन द्वारा रची गई अपने सपनों की दुनिया के सूक्ष्म तत्वों को भोगता है। यह उसकी मानसिक स्थिति है। आत्मा का तीसरा भाग प्रज्ञा कहलाता है। यह मनुष्य की बिना सपनों की गहरी और पक्की नींद की अवस्था है। यहां उसका मन विश्राम करता है और उसकी जागरूकता रुकी हुई है। प्रज्ञा, वैश्वनार और तेजस इन दोनों अवस्थाओं का द्वार है। इस अवस्था में ना कोई सपने होते हैं और ना ही कोई इच्छा होती है। प्रज्ञा में कोई मन नहीं होता। प्रज्ञा में ब्रह्म से अलगाव नहीं होता। इस अवस्था में मनुष्य ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। प्रज्ञा में मनुष्य की चेतना अविभाजित और एक रूप हो जाती है। वह आनंद से विभोर हो जाता है और केवल आनंद ही भोगता है। यह उसकी बौद्धिक स्थिति है। लेकिन जो ऐसी गहरी नींद में है वो तो सोया हुआ है और वह यह सब नहीं जानता। यदि वह यह सब जान ले कि प्रज्ञा की अवस्था में वह परम ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, तब उसके लिए स्थायी और अनंत काल तक रहने वाले आनंद और शांति के द्वार खुल जाएंगे। आत्मा का चौथा और आखिरी भाग तुरिया कहलाता है। यह मनुष्य की समाधि की अवस्था है, उसकी परम जागरूकता की अवस्था है। इस अवस्था में केवल सर्वोच्च प्रभु, केवल वह परम ब्रह्म ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुरिया में न अंदर की तरफ देखा जाता है, ना बाहर की तरफ, ना बाहर की दुनिया की चेतना है, ना भीतर की दुनिया की, ना भीतर बाहर मिलाकर दोनों की। यहां जागरूकता और चेतना का निलंबन भी नहीं है। यहां न बाहरी वस्तुओं को जाना जाता है, न भीतरी वस्तुओं को। तुरिया चेतना का समूह नहीं है। वह जानने की स्थिति नहीं है। वह न जानने की स्थिति भी नहीं है, न ही वह जानकारी ही है। उसे न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। उसे नाम नहीं दिया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा सभी सीमाओं के भी परे है। उसका कोई विशेष चिन्ह या निशान नहीं है। वह सभी कर्म की क्रियाओं का, सभी वस्तुओं का तथा सभी संबंधों का भी अंत है। वह सर्वशक्तिमान है और वह सब कुछ जानने वाला है। वह सारे व्यक्त अस्तित्व का, इस सारी सृष्टि का प्रभु है और वह सभी जीवों के हृदय में उनका अंदरूनी नियंत्रक और उनका शासक बनकर निवास करता है। वह सब का मूल आदि कारण है। वह सब का आदि और अंत है। तुरिया परम ब्रह्म के साथ एक होने की, ब्रह्म से मिलन की और ब्रह्म में विलीन होने की अवस्था है। ब्रह्म ही में सारा जगत स्थित है और इसी में
जगत का विश्राम है। ब्रह्म अथाह प्रेम और शांति है, वह अद्वैत है, वही जीवन का परम लक्ष्य है। इसी ब्रह्म को हमें अंततः आखिरकार पाना है। यही आत्मा है, यही प्रभु है, यही ओम है। ओम जबकि अविभाजित है, फिर भी इसके तीन तत्व हैं, तीन ध्वनियां हैं, जो इसके तीन अक्षर अ उ तथा म हैं। ओम का पहला अक्षर अ उसका पहला तत्व है। यह पहली अवस्था वैश्वनार है, बाहरी जगत का अनुभव। पहला होने के कारण यहां कर्म और उपलब्धि आरंभ होते हैं। जो इसको अच्छी तरह समझ लेता है वो अपनी सभी इच्छाएं पूरी करता है, सफलता पाता है और वो संसार में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। ओम का दूसरा अक्षर अ, ओम का दूसरा अक्षर उ उसका दूसरा तत्व है। यह तेजस की अवस्था है, नींद में सपनों की अवस्था है, भीतर के जगत का अनुभव है। उत्कृष्ट होने के कारण यहां उत्कृष्टता और एकीकरण की शुरुआत होती है। जो इसको समझ लेता है वो अध्यात्म ज्ञान की परंपरा को बढ़ाता है और जीवन की विविधताओं को मिटाता है। वो सब को एक ही नजर से देखता है और सबके बराबर बन जाता है। उसके परिवार में सभी आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, सभी ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म को न जानने वाला उनके परिवार में पैदा नहीं होता। ओम का तीसरा अक्षर म उसका तीसरा तत्व है। यह प्रज्ञा की अवस्था है, गहरी और पक्की नींद की अवस्था है, जहां सपने नहीं होते, जहां मन विश्राम करता है और जागरूकता रुक जाती है। इस अवस्था में मापने और विलय करने की शुरुआत होती है। जो इसे समझ लेता है वो सब कुछ माप लेता है और जान लेता है, वो सब कुछ समझ लेता है और उसे अपने में ही विलीन कर लेता है। अक्षर ओम एक ही शब्द के रूप में आखिरी अवस्था तुरिया है। यही परम ब्रह्म है, यही परमात्मा है, जो अविभाजित, बिना भागों के है, बिना तत्वों के है, अद्वैत है, सौम्य, दयालु और कृपालु है, जिसमें सारा विश्व स्थित है और जिसमें सारी सृष्टि घुल जाती है, जिसमें सृष्टि का विलय होता है। यह ब्रह्म, वह परमात्मा एक ही है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अक्षर ओम ही परम आत्मा है। जो ओम को परम आत्मा जानता है वो स्वयं परम आत्मा बन जाता है। वो अपनी आत्मा द्वारा उस परमात्मा में प्रवेश करता है, उसमें विलीन हो जाता है और वो सचमुच वही परम आत्मा बन जाता है। वो सचमुच वही परम आत्मा बन जाता है। मांडुक्य उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।